नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोल्ड फिल्म मिरर का हमेशा प्रयास रहा है कि नई प्रतिभाएं या छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाए। इसी परंपरा को निभाते हुए आज गोल्ड फिल्म मिरर ने एक शाम लेखकों के नाम नामक एक कार्यक्रम आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में किया, जहाँ पे कई ऐसे उभरते हुए लेखक लेखिका शामिल हुए जिन्होंने ये साबित किया कि उनमें भी काबिलियत है, उनमें भी प्रतिभा है। तो आइए सुनते हैं उन प्रतिभाओं को और तय करते हैं उनकी मंजिल। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाय मराठा रावण उत्कल भंग विंध हिमाचल यमुना गंगा। सभागार्डन, आप सभी के समक्ष गोल्ड फिल्म मिरर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एंड इवनिंग विद राइटर्स में आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। तो यहाँ तक पहुँचाने में मुझे जिन आत्मीय जनों का सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन मिलता रहा है, मैं उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, जो कि मेरा सौभाग्य होगा। सर्वप्रथम मैं अपनी कृतज्ञता स्नेहिल कुसुम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के चरणों में अर्पित करना चाहूँगी, जिनकी अहेतुक कृपा के बगैर इस लेखन यात्रा की शुरुआत असंभव थी। तत्पश्चात मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, जिनके कारण मेरा अस्तित्व इस धरातल पर मूर्त हुआ है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अपने बड़े भाइयों का, जिनके छत्र छाया में मेरा आज तक का जीवन पुष्पित पल्लवित होता आया है। मैं अपने कुटुंब के सभी अग्रजों के प्रति आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने गुरुजनों के प्रति, जिनके सानिध्य में मेरा परिश्रम परिमार्जन होता आया है। बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के यह यात्रा प्रारंभ तो हो सकती थी, किंतु शायद किसी निश्चित लक्ष्य तक जाने में असमर्थ रह जाती। गत वर्ष जब मैंने लेखन प्रारंभ किया था, तो यह कभी विचार ही नहीं आया था कि इतनी न्यूनावधि में ही मुझे अपने क्षेत्र के आप सभी वरिष्ठ लेखकों के साथ सम्मानित होने का गौरवशाली अवसर प्राप्त होगा। हालांकि सम्मान प्राप्त करना किसी लेखक के लिए बहुत गर्व की बात होती है। आज मैं इस सभागार में उपस्थित हुई हूँ, जिसमें गोल्ड फिल्म मिरर के सभी सदस्यों का ही के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं साथ ही अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पिता की आभारी हूँ जो आज मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ गोल्ड फिल्म मिरर के सभी सदस्यों का, जिनके सहयोग से हम सभी नवोदित लेखकों को एक ऐसा मंच मिल रहा है, जहाँ हमें अपने लेखन के परिश्रम एवं परिमार्जन के लिए एक सम्मान देने की प्रक्रिया का निर्वहन किया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी मातृभूमि में पैदा हुई, ऐसे परिवेश में पली बढ़ी, जहाँ आप सभी विद्वजनों के द्वारा हमें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार किसी भी लेखक के मनोबल को बढ़ाने का, ऊंचा उठाने का बहुत ही कारगर साधन साबित होता है। हाँ, शायद पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक सामाजिक स्वीकृति के टोकन की भांति होता है, जहाँ लेखकों को सम्मान को पाकर उनमें कुछ नए लेखन और पठन पाठन के प्रति आकर्षण पैदा होता है, और यहीं से सभी लेखकों की एक नई पौध तैयार होती है। इस सभागार की अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक उपस्थित सभी गणमान्य विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गोल्ड फिल्म मिरर के संपादक आदरणीय श्री जहांगीर आलम सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद जहांगीर सर, और आशा करती हूँ कि आपके द्वारा ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहेंगे, जहाँ हम सभी युवा लेखकों को एक ऐसा मंच मिलता रहेगा, जहाँ हमें आपका सानिध्य और स्नेह मिलता रहेगा। प्रसिद्ध लेखक मार्केज ने कहा है कि वह इसलिए लिखते हैं
क्योंकि लेखन के माध्यम से उन्हें लोगों का स्नेह मिलता है। जी बिल्कुल, ये बात सच है। जब मेरे विचार कागज पर उतरते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, साथ ही जब मुझे उनका स्नेह मिलता है, तो इस सुखद अनुभूति को शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खैर, ये मेरे लेखन यात्रा की शुरुआत है। यदि यूं ही आप सबका मुझे स्नेह मिलता रहा तो मैं इस यात्रा में बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ। मैं अंत में कुछ अपने पिता से ये कहना चाहती हूँ। मुझको मेरा हक दो पापा, बहुत कुछ कर दिखलाऊंगी। पतंग के जैसे उड़ने दो, आसमान को छूकर आऊंगी। क्यों डरते हो इस हवाई दुनिया से? अकेले सब पे भारी पड़ जाऊंगी। समझा देना मेरी माता को, जिसने नारी होने का हर दुख झेला है। रखे हौसला तुम दूर नहीं, जब आप दोनों का सम्मान बढ़ाऊंगी, जब आप दोनों का सम्मान बढ़ाऊंगी, इसे साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो सारे बंधन, बेटियां हर मंजिल को पा जाएंगी। किसी प्रोग्राम का इनाकात करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने हिंदुस्तान को नहीं भूलते, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और इसी मिट्टी में हम पले पड़े हैं और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। वक्त कम है, इसीलिए मैं बगैर कुछ कहे हुए आली जनाब हफीज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए और अपने कौमी गीत जो है उसको आप पेश करें। हिंदू मुस्लिम के ना चक्कर में कोई आएगा, हिंदू मुस्लिम के ना चक्कर में कोई आएगा। रंगे हूँ एक है कोई ना बदल पाएगा, रंगे हूँ एक है कोई ना बदल पाएगा। हिंदू मुस्लिम के ना चक्कर में कोई जब इंसानों के रुकने का समय आएगा, जब इंसानों के रुकने का समय आएगा, गंगा जल को जमा हुए और एक दूसरे को देख तो रहे हैं, जान नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, जानेंगे भी और सुनेंगे भी और देखेंगे भी। हमें आज के इस ऑर्गेनाइजर के शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज हम लोगों को इन लोगों ने एक जगह जमा किया। हम उर्दू वाले की तरफ से इस इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। का तरफ से जो ये राइटर्स का प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जो राइटर है हमारा यहाँ, इसको बढ़ोतरी देने के लिए हम लोग को भी देखते हैं ये प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में ये लोग और आगे तरक्की करें, इसी के बारे में बात और आगे बढ़ाए। सी एफ एम हमारा आज का दिन में जितना डिजिटल न्यूज चैनल है, एक से एक सोशल प्रोग्राम करते जाता है, इसीलिए सी एफ एम का हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इस प्रोग्राम में जितना कवि आए हैं उसको सबको हमारा नमस्कार। इस प्रोग्राम के एडिटर और पूरे टीम को मैं
देखने के लिए ये किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा CFM वाले को, कोलफील्ड मिरर न्यूज ग्रुप को, और खुर्शीद साहब को, जागीर साहब को, और पूरी टीम को जिन्होंने मुझे यहाँ मधु किया बुलाया। जब मेरे पास दावतनामा पहुंचा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीन मानिए, यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे। एक दौर था कि इस तरह के प्रोग्राम होते थे, हिंदी वाले, उर्दू वाले, बांग्ला वाले, हर जबान के लोग इकट्ठे होते थे। और हाजी साहब ने कहा कि यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रिज का काम करना पड़ेगा, एक पुल का काम करना बहुत जरूरी है। हिंदी वाले क्या लिख रहे हैं उर्दू वालों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उर्दू वाले क्या लिख रहे हैं हिंदी वालों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, बांग्ला वालों के वाले क्या लिख रहे हैं उर्दू वाले तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हर जबान के लोग हैं आप यहाँ पे हैं। ये कह सकते हैं कि आसनसोल शहर हमारा, ये हर जबान के लोग हैं यहाँ पे। और बहुत सारे सीनियर देखिए सहाफी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, वजीउद्दीन साहब है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, और इकट्ठा मिलने का मौका मिला आज सबसे, और सबके बीच अपनी बातें रखने का मौका मिला। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, सीख भी रहा हूँ, ये सीखने का जज्बा अभी भी मुझ में है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे मुलाकात ऐसे नहीं हो पाती है, लेकिन आज मौका मिला, बहुत इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आयोजक को जिनकी वजह से उन लोगों से मुलाकात हो पाई। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कोलफील्ड मिरर को, जिसने एक बड़ा और बहुत ही अच्छा और उम्दा काम किया है, और अपने नौयत का एक अलग काम किया है कि तमाम राइटर्स को एक छत के नीचे जमा किया है। एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, जो हम जाने वो आपको दें, जो आप जानिए वो मुझको दीजिए। नदीम शाबानी रानी से तशरीफ लाया हूँ मैं, लोग मुझे शायर कहते हैं, और मेरी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है, एहसास कायना, एहसास कायना, आप लोगों के सामने। मुझे अपना तारुफ देने में खुशी महसूस हो रही है। जनाब मैं आलम अंजुम, मेरी दो किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, एक हमदर नाक तक की किताब है, और दूसरी किताब जो है वो गजल की है, जबीन बहारा। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ CFM को, बस शुक्रिया। मेरी एक छोटे से जगह से आई हूँ, यहाँ सभी जितने भी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं सभी कोई ना कोई किताब आ चुकी है, मेरी कोई किताब नहीं आई है, बस मेरे दो साझा संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं, एक हौसलों की उड़ान और दूसरी अवित काव्य संकलन। पर उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे जरूर कुछ लिखूंगी और दोबारा आपके समक्ष उपस्थित होंगी। ठीक है, आप किताब नहीं लिखो दूसरा भी, मेरी किताब ये भी निकली है, मजा आया संतों का, मैं धीर हूँ कि आप लोग की मोहब्बत का नतीजा है, आप लोग मैंने सलाह से गए, हमें कोशिश करके किया कि किताब निकली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ইধারি গড়াই, আমি সিন্ডিকেট ব্যাংকের চিফ ম্যানেজার, আমি বেশ কিছু বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা আমার জার্নালে বেরিয়েছে, মিস্টার অনুপ বাবু অরূপ রায় किताब नहीं आई है, लेकिन लिखना मैंने शुरू कर दिया है, और मेरी मैंने कुछ कविताएं लिखी है, ये शहर अच्छा लगता है, हिंदी में भी काफी सारी कविताएं लिखी है। बनपुर से उपस्थित हूँ, और मैं पांच कविता लिख चुकी हूँ, और पांच कविता मेरी छप चुकी है, और अभी आगे भी लिखने का प्रयास अभी जारी रहेगा। तमन्ना है, मेरी चार किताबें आ चुकी हैं, एक अभी नया आया है वो अफसानों का मजमुआ, मुजामिन का मजमुआ है, मैं रेलपार आसनसोल से आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तलत अंजुम फख्र है, मैं रेल पार आसनसोल में रहती हूँ, मेरी अब तक तीन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और बाकी दो अभी इंशाल्लाह आने वाली हैं। शुक्रिया।
मैं कॉरपोरेशन रोडू टास्क सेंटर हूँ और उतने में अब तक से 8 से 10 मजदूर मैं जीत चुका हूँ और 2-3 मजदूर मेरे जो है गाँव मस्या और दूसरे बाद में जो है शायद हुए। यहाँ पे मौजूद सभी हाजिरों को सुहाना परवीन का अकीदत भरा सलाम अर्ज हो। मेरा नाम सुहाना परवीन है और मैं कुछ सालों से डीसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। मेरी 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और जो 2 किताबें जेर तहजीब हैं। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा अंतम मन से बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार जालान है और मैं 44 नंबर वार्ड में जालान मार्केट बोल के मार्केट है, वहाँ पर पुष्प शॉप है हमारी रेडीमेड गार्मेंट्स की और मेरी 2 किताबें बन चुकी है ऑलरेडी, जो छपने में अभी है और मेरी स्कूल टाइम से मेरी पोएम्स बुक्स में और पेपर्स में छपते आए हैं और ऊपर वाला चाहो तो जल्दी ये बुक्स में आपके सामने आ जाएगा। नाम संदीप शर्मा है। इस पूरी कायनात में मेरी कोई हस्ती नहीं है, इन शायरों की बस्ती में मेरी कोई बस्ती नहीं। मैं फेसबुक पे लिखता हूँ बस अपनी इच्छा। हाजिरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम और तमाम दर्शकगण नमस्कार। मेरी पहली किताब 2001 में तस्खिरे हर्फ आई थी जो शेरी मजमुआ था और 16 फरवरी को मेरी 10वीं किताब गई। मैं शायर अब्दुल मुनाफिक यासी, मैं हालात हाजरा कौमी यजीदी मुनफरिद और भी मैं शायरी करता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर किस्म के लोग, हर मजाहब के लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इस कथा से मैं अपनी शिरकत दायर कराऊँ कि ये नाम रहे सदा ये अरमान रखते हैं, ये नाम रहे सदा ये अरमान रखते हैं, जुबान पे अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। मेरी 2 किताबें बंदर आते हैं, एक खुशबू खुशबू सफर और एक नाते पाक का मजमू है जमाल नूर और 2 किताबें और आने को है इंशाल्लाह रहमान भाई तक आ जाएंगे वो भी। खुर्शीद गनी कॉलमिनिस्ट हूँ, अखबारों में मेरा आर्टिकल आता है। मेरी 2 किताबें हैं सदाए गनी और नक्श खुर्शीद। मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें आवाज है। अजीम धर्मपुर से आया हूँ, मेरी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं। पहली किताब गज़लों का मजमुआ हर्फ हर्फ एहसास के नाम से और दूसरी किताब नातिया मजमुआ हर्फ हर्फ खुशबू के नाम से पब्लिश हो गई है और तीसरी किताब करीब आने वाली है। मेरी किताब बहुत जल्द आवाज के मरहले से गुजर रही है, इंशाल्लाह आप जो और अब तक मेरी 50-60 गज़लें लिख चुका हूँ मैं, कुछ शायर भी हुई हैं। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी 2020 में अपनी नई किताब का इजरा इसी कोशिश कर रहा हूँ इसी 20 में इंशाल्लाह मंदिर यहाँ पे। हाजी निमजिस जनाब सदर मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अजहर आरिफ कुट्टी से आया हूँ। मेरी ये किताब मंदरयाम पर आ चुकी है, इसका नाम आदि का ख्वाब है। मैं CFM न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आसान कदम उठाया है। वैसे राइटर को कोई पूछता नहीं है, आपने पूछकर हम राइटर पर एहसान किया। अरे नहीं नहीं अदा, मैं अपना सफनकार मोहम्मद हफीज हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इससे पहले आप लोगों ने ये गज़ल सुनी और मुझे नवाजे तालियों से। बस एक शेर है कि प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। प्रणाम इस मंच को प्रणाम, और मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायर से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मेरी यही चाहत है। शायरी को हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, और पहले बार ये मीटिंग में हम आया लेकर आया। मैं शाजा फखर आसनसोल से ही हूँ और मैं 10 तदरीस से जुड़ी हुई हूँ और रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, रिसर्च वर्क कर रही हूँ और हमारी एक किताब मंजरेआम पर आ चुकी है और बाकी अंडर प्रोसेस है। और मैं जनाब खुर्शीद आलम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी यहाँ मधु किया। मुझे तस्लीम न्याजी कहा जाता है, मेरी 3 किताबें
अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। पहली किताब शेरी मजमुआ की शक्ल में 1992 में शायद हुई, दूसरी किताब शेरी मजमुआ 2012 में शायद हुई, और तीसरी किताब 2016 में शायद हुई। मैं खातून रानीगंज से आई हूँ, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में इस वक्त मैं जज़्बाती लेक्चरर हूँ, और मैं CFM के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मदऊ किया। मेरी अब तक जो है 7 से 8 मजामीन मियारी रसाइल में मंजर आम पर आ चुकी है। शुक्रिया। न्यूज़ को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपने बुलाया है, मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया है, मेहरबानी आपकी, हम बस काबिल न थे, है कदरदानी आपकी। सारी आसनसोल रेल पार से ताल्लुक रखने वाला, अभी अदब के सतनार दरख में एक अदना सा शाख, और कुछ ही दिन कबल मेरी तहकीकी व तनकीदी किताब का मजामीन का मजमुआ मेरी किताब की शक्ल में मंजर आम पर आ चुकी है, और आइंदा भी जो है ये कोशिश जारी है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त। हेलो, नमस्कार करती हूँ मंच पे बैठे सभी विशिष्ट व्यक्तियों को, और इस सदन में बैठे जितने भी हमारे साहित्यिक मित्र हैं उन सबों को, बहनों को, भाइयों को। मैं शीला बरणवाल, मैंने अभी तक हजारों कविताएं रची होंगी, बहुत सारे साहित्य लिखे, सरिता ग्रीसोभा वगैरह में मैं हमेशा छपती रहती हूँ, और मेरी दूसरी जो कविताओं की किताब है वो जितने ई साइट्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ebay.com, purushottam.com वगैरह वगैरह सब पे उपलब्ध हैं। उसका नाम है शीला की इंद्रधनुषी कविताएं। इंद्रधनुषी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसमें सभी रंग हैं। कवि अक्सर ये करते हैं कि कोई श्रृंगार रस के कवि बन जाते हैं, कोई पीर रस के, कोई हास्य रस के। मेरी कलम सभी विधाओं पे चलती है, और आशा करती हूँ कि आप सबके बीच में आपने मुझे जो अपनापन दिया उसी अब धन्यवाद से जुड़ा हुआ हूँ। नज़्म और नज़्म, जहाँ अफसाना में लिखता हूँ वहाँ ड्रामा भी लिखता हूँ और नज़्म गज़ल भी लिखता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई किताब शायद नहीं हुई है। शायद मैं सिर्फ जो दर्द महसूस करता हूँ उसके कागज पर लिख देता हूँ, कभी छपने की कोशिश मैंने नहीं की है। आप लोग दुआ करें। सभी विद्वजन और सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं काजी नजरुल विश्वविद्यालय MA प्रथम सत्र की छात्रा ट्विंकल वर्मा आप सबके सामने स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं, आई हूँ इस जहाँ में मैं किसी की बेटी किसी की माँ स्वरूप में, ना जाने कितने रिश्तों के भार ढोने आई हूँ मैं, ऊपर से नहीं पैदा होते टैग लगवाई हूँ मैं, हाँ जानती हूँ मैं लड़की हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं, हर बात पर टोकी गई हूँ, हर राह पर पटकी गई हूँ, हर मोड़ पर डराई गई हूँ, हाँ जानती हूँ मैं लड़की हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं, ये जो मसले हल किए हल नहीं हो रहे, कोई मुझसे भी पूछे क्या चाहती हूँ मैं, रिश्तों के फेरे में बंध चुकी हूँ, जिन रिश्तों की वाहवाही में भरती थी आज वह जंजीर के समान लग रहे, पता नहीं मसला कब हल होगा, हाँ जानती हूँ मैं लड़की हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं, दुनिया को अभी अभी तो जाना है मैंने, कुछ घुटन सी महसूस कर रही हूँ, सब होते हुए भी कुछ नहीं पास मेरे, कुछ खोखला सा मालूम होता है, किस्मत का खेल मुझे पता नहीं, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं, दोस्तों के जेंडर देकर दोस्ती करवाई है, लड़की होने का पाप मैंने फिर से उठाई है, हाँ जानती हूँ मैं लड़की हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं, अब है मेरे झड़ जाऊं कभी पतझड़ सा, जिंदगी के इस बंटवारे ने दुश्वार कर दिया है मेरा जीना, क्या गलती है मेरी इस बात को मैं पूछूं किससे, सब तो दहाड़ रहे लड़की है लड़की बन के रह चुप से, हाँ जानती हूँ मैं लड़की हूँ। एक बार फिर इस जाति में गढ़ती गई हूँ मैं। आज ही छपी है 7 दिनों की खुशियां, साल भर का इंतजार अब खत्म होने को आई है, आ गई वो 7 दिनों की खुशियां, आंखों में चमक दिल में उमंग लिए,
हर रोज कुछ नया पाने की खुशी होगी, उन सपनों के साथ ना जाने कितनी ख्वाहिशें भी साथ होंगी। ये 7 दिन भी गुजर जाएंगे, जितनी खुशियां मिली है उससे बढ़कर दुख दे जाएंगे। प्यार का दिन गिनवा दिया जाता है, अब भूलो मत, ये भारत है साहब और हम सभी भारतवासी हैं। यहाँ हर रोज प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया जाता है। प्यार के 2 मीठे बोल बोले जाते हैं, निभाने वक्त घर वालों की इज्जत याद आ जाती है। प्यार एक एहसास है जिसे जितना भी जता दो वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। प्यार एक एहसास है जिसे जितना भी जता दो वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है, शायद उसी कमी को पूरा करने ये 7 दिन का त्योहार आया है। मानती हूँ प्यार करने के अपने अपने तरीके हैं। ये कैसा प्यार है जहाँ नियमानुसार जिस्म से खेला जाता है, समय के साथ सारे नियम बदल जाते हैं, कुछ लोगों के कारण ये प्यार भी बदनाम हो जाते हैं। समझना मुश्किल सा हो गया है, कौन है सच्चा कौन है झूठा। प्यार प्यार का नाम जपते हैं, क्या वैसा प्यार माँ बाप से करते हैं। दूसरों को खुश करने में अपनी जमा पूंजी लुटा जाते हैं, अपनों की खुशी के लिए पैसे नहीं है यह एहसास दिलाए जाते हैं। एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है मिस्टर वैरी लैब, ही कोट्स, इफ द बुक इज ट्रू, अगर किताब सच्ची है इट विल फाइंड एन ऑडियंस दैट इज मीट टू रीड इट। अगर किताब सच्ची है तो ये वहां तक पहुंच जाएगी जिसके लिए आपने लिखी है। कि राइटर्स को कैसा होना चाहिए, चूंकि आई एम अ वर्डिंग राइटर, तकरीबन मेरी 50-60 गजलें पब्लिश हो चुकी हैं डिफरेंट मैगजीन्स में ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मेरी कोई किताब नहीं आई। तो मैं इस 4 मिसरों से अपनी बात रखना चाहूंगा। दो शेर हैं कि तही शिकम के वास्ते वो खींचता है जानो तन। तही शिकम मतलब एम्प्टी स्टमक। तही शिकम के वास्ते वो खींचता है जानो तन, गुबार से अटा हुआ मगर कोई गिला नहीं। गुबार से अटा हुआ मगर कोई गिला नहीं, और जबा कलम जमीर सब खड़े रहे कतार में, मगर वो एक शख्स है अभी तलक बिका नहीं। जितने भी सज्जन हैं सबको मेरा मुबारकबाद है, धन्यवाद है। ये शायद पहली बार यहाँ पर एक ऐसा सर्व साझा मंच बना है जहाँ पर हर समाज के लेखक कवि एवं गजलकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी छोटा मोटा कुछ लिखने का अभ्यास करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दलजीत सिंह, नियामतपुर में रहते हैं। अभी तक मेरी आपकी जो इसी तरह हम लोग निभाएंगे और वो आपकी जो तस्वीर हुआ है ये देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि अपने आसनसोल में भी इतना साहित्य का सैलाब है। ये बहुत ही खुशी हो रही है। और CFM ने जो आज ये कदम उठाया है आसनसोल के साहित्य और इस प्रदेश के जितने भी साहित्य हैं उनको एक सम्मान दें, तो ये तो मुझे समझ में आया लेखक का जो गहना होता है वो सम्मान है। और उन्हें जितना है तो दिल तेरे नाम लिख दूं ऐसा शायद, क्योंकि मैं तो लेखक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, बस अपने जो विचार है वही आपको रख रही हूं। तो आप लोग में सभी को किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि वो कोई ज्यादा अच्छे हैं कि खराब हैं, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं लिखने के। कोई नज्म लिखते हैं, कोई शायरी लिखते हैं, कोई छंद लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिखते हैं, कोई हिंदी में लिखते हैं, पर सब अपने आप में लाजवाब हैं। आज के इस माहौल में मैं CFM से और सभी से फिर से ये कहूंगी कि इस तरह का सम्मान हमारे लेखकों को समय समय पर देते रहें, क्योंकि जिस तरह से एक मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसके मजदूरी के पसीने सूखे या न सूखे, पर लेखक की स्याही सूखने के पहले उन्हें वो सम्मान मिल जाना चाहिए। ऐसे तमाम शख्सियतों और आप जैसे तमाम सामेन के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अहले महफिल तेरी तौकीर तेरी अजमत को सलाम, अहले महफिल तेरी तौकीर तेरी अजमत को सलाम।
तेरी आमद को सलाम, महफिल में तेरी शिरकत को सलाम। और यूं ही ताउन अगर तेरा मुझे मिलता ही रहा, फूल इखलास का इस वादी में खिलता ही रहा, तो फिर क्यों ना करूं बज्म की जीनत को सलाम। अहले महफिल तेरी तौकीर तेरी अजमत को सलाम, तेरी आमद को सलाम, महफिल में तेरी शिरकत को सलाम। हाजरीन, बातें बहुत कुछ करने को जी चाह रहा है, वक्त की कमी का एहसास हो रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोल्ड फील्ड मिरर जो न्यूज चैनल है CFM, इन्हें मुबारकबाद पेश कर दिया जाए। इसलिए नहीं कि इन्होंने हमारे राइटरों को एजाज से नवाजने का फैसला किया है, बल्कि इसलिए कि आज जो मुल्क का माहौल है, किसी ने यूं कहा कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। मुल्क के हालात पे गौर करेंगे दोस्तों कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया, हम गए मस्जिद तो हम पे भी मुकदमा हो गया, और नफरतों के इस दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। ये आज के हालात, उन हालात में जो मोहब्बत का पैगाम आम करना है, जिस पैगाम को आज फैलाना है, जिस पैगाम को आज पहुंचाना है, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए उर्दू के, हिंदी के, बंगला के, इंग्लिश के राइटरों का एक यहाँ पे जमावड़ा हुआ है, एक महफिल का इनेकाद किया गया है। इस बात के लिए उन्हें भरपूर तालियां देनी चाहिए। और बात जब तमाम लोगों की हो रही तो मुझे भी वो चार लाइनें जरूर पढ़ना चाहूंगा कि अगर मुल्क में नफरत का माहौल है तो कोई शायर यूं भी कहता है कि चेहरा नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, चेहरा नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। अरे भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। हाजरीन, कोल्डफील्ड न्यूज चैनल ने आज जो प्रोग्राम पे इनेकाद किया, उन्हें मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मैं उन तमाम राइटरों का भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आज एन इवनिंग विद राइटर्स के तहत ऐसे लोगों को यहां लाने की कोशिश की गई है जिन्होंने अपना खून पसीना जलाया है, जिन्होंने अपनी रातों का सुकून खोया है, जिन्होंने अपने दिन का चैन खोया है, तब जाकर उनकी कीमती तहरीरें किताबों की शक्ल पे मंजरे आम पे आई है। और उन किताबों को आज उनकी हौसला अफजाई के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। सुनाई थी काफी कम लोग थे, तो श्रोता अगर मेरा अंदर का भी संदीप शर्मा तो भी मैं खुश हूँ, अकेला ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं हिंदू हूँ टीका लगाता हूँ, लेकिन मैंने कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, और मैं सबसे ज्यादा बाइबल भी पढ़ी है। मुझे आखिरी शब्द, अगर मेरे कुछ शब्द गलत हो जाए तो ईसा मसीह की बात कहिएगा कि हे प्रभु इसे माफ करना, ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि आईना काश मन दिखाता तो हम साफ कर लेते, ठीक है। ए आईना तू चेहरा ना अब मेरा दिल दिखा, ताकि मैं साफ कर लूं, जिनसे थोड़ी भी नाराजगी है उन्हें माफ कर दूं। धन्यवाद। और गुलजार साहब की एक बात है, हम जब शब्द कहते हैं तो हमें सोचना चाहिए क्या शब्द है, क्या कहे उन्होंने, देखिए कि सुनिए, शब्दों के भी जायके होते हैं, जरा चख के बोला कीजिए। तो हम जब भी कोई शब्द बोले तो हमें जाएगा चख लेना चाहिए कि सामने वाले को वो किसी भी संप्रदाय का हो कष्ट ना हो उसे। आहत होता हूं मेरे शरीर पे तीर लगने से नहीं बलात्कार से, अगर देश में एक भी बलात्कार होता तो मेरा रोआ खड़ा हो जाता है, मेरा रूह कांप जाती है कि शरीर मरता तो सिर्फ शरीर मरता है, बलात्कार होता तो आत्मा मरती है। और खासकर यहां की बैठी मेरी बहनों के लिए मैंने लिखा है, यजदी महिलाओं ने आईएसआईएस जब लजदी महिलाओं को उठाने लग गए थे तो महिलाओं ने स्टैंडगन उठा ली थी। सुनिए, मेकअप करना छोड़ दीजिए, छोड़ दे तेरा सौम्य रूप अब तू शक्तिशाली बन, छोड़ दे तेरा सौम्य रूप अब तू शक्तिशाली बन, जिस्म के भूखे दानों के लिए दुर्गा या फिर काली बना, उतार हया का पर्दा और तलवारों को बना गहना, उतार हया का पर्दा और तलवारों को बना गहना, हैवानों के नर मुंडों की देवी को माला पहना। घूम रहे जो नर पिशाच सड़कों और गलियारों में, घूम रहे जो नर पिशाच सड़कों और गलियारों में, उनका रक्त लगा ले तू अब अपनी तलवारों में, जब तुझको घूरने वाली
अब तो घूरना भी गुनाह है। जब तुझको घूरने वाली नजरों पर तू प्रहार कर, अब तुझको घूरने वाली नजरों पर तू प्रहार कर, तेरी अस्मत लूटने वालों का अब तू ही संहार कर। तुझे बचाने के लिए अवतार नहीं आने वाला, कृष्ण नहीं आएंगे द्रौपदी, तुझे बचाने के लिए अब अवतार नहीं आने वाला, कब तक बनी रहोगी ज्योति, अब बन जाओ ज्वाला। फिर छोड़ दे तेरा शम रूप, अब तू शक्तिशाली बन, हैवानों के संहार के करने वाली दुर्गा या फिर काली बन। मैंने नारियों को दुर्गा का रूप देने के लिए कहा है, और मैं अपने भाइयों के लिए कुछ लिखा हूं। शीर्षक है नारी। नारी से उत्पन्न होकर तुम, नारी से उत्पन्न होकर तुम नारी को नीचा दिखलाते हो। बहुत लोग हैं जो नारी को सिर्फ अपनी पैर की जूती समझते हैं, उनके लिए मैंने एक लिखा है। नारी से उत्पन्न होकर तुम नारी को नीचा दिखलाते हो, अरे दुष्ट पापी एक दिन तुम खाक में मिल जाओगे। अरे दुष्ट पापी एक दिन तुम खाक में मिल जाओगे। इज्जत तो श्रद्धा इनको दो, आदर की ये पात्र है। इज्जत तो श्रद्धा इनको दो, आदर की ये पात्र है। इनके सम्मुख नतमस्तक हो, इनके सम्मुख नतमस्तक हो, तभी दंडमुक्त हो पाओगे। कभी ना नीति दूषित करना, कभी ना नीति दूषित करना, कभी ना वाणी प्रदूषित, कभी ना नीति दूषित करना, कभी ना वाणी प्रदूषित। नारी को गाली देने वालों, क्या कभी सुखी रह पाओगे? हंसी की पात्र नहीं है नारी, हंसी की पात्र नहीं है नारी, ना है ये उपभोग का साधन। मैं ठाकुर बनपुर से हूँ। मैं काजी नजरुल विश्वविद्यालय में एमए कर रही हूँ, तृतीय सत्र की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब आज देखते हैं कि लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है कि वे अपने रिश्तेदारों से चंद बातें भी कर पाए। इंसानों के इसी इंसानियत पर आधारित मेरी यह कविता है, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। रुक जा ए मानव, यूं दौड़कर तू हासिल क्या कर पाता है, यूं गिरकर लड़कर अकड़कर तू बस अनमोल रिश्तों को ही गवाता है। मतलब की दुनिया है ये, आज मतलब ही हर इंसान है। मतलब की दुनिया है ये, आज मतलब ही हर इंसान है। मैं करके भूल गया तू, तेरी आखिरी मंजिल तो शमशान है। गर वक्त रहते ना संभल पाया तू, यूं लड़कर जान गवाएगा। गर वक्त रहते ना संभल पाया तू, यूं लड़कर जान गवाएगा। इस मोह माया के चक्रव्यूह से फिर तू कभी भी ना बच पाएगा। प्यार के बोल बोलकर ही तू नाम और यश कमाएगा। प्यार के बोल बोलकर ही तू नाम और यश कमाएगा। अरे पैसों में क्या रखा है, दिलों को जीत तू बादशाह कहलाएगा। प्यार दोस्ती विश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। प्यार दोस्ती विश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। नेक दिल बंदों के सिवा खुदा का कोई अजीज नहीं। समय की मार से क्या कोई भी बच पाता है, समय की मार से क्या कोई भी बच पाता है। यूं गिरकर लड़कर अकड़कर तू बस अनमोल रिश्तों को ही गवाता है। जो प्यार बांट विश्वास कमाए असली इंसान वही कहलाएगा। जो प्यार बांट विश्वास कमाए असली इंसान वही कहलाएगा। वरना मिट्टी का बना है तू, बस मिट्टी में ही मिल जाए। लेखक जरा आज सबा उपस्थित आज सकल के श्रद्धा एवं नमस्कार जानिए दो एक कथा बोलार चेष्टा कर। आज के कॉनफिल मिरर्स से जे यकम एक सभार आयोजन होदिओ लेखक लेखा समुदाय मध्य पड़ी एक बैंक मैं चाकी करी तर मध्य छोटो खाटो किस लेखार चेषा करी जगह विभिन्न पत्र पत्रिकाय बेरोई बोये आकार एखोनो पर्यन्त किछु बेरोयनी किन्तु कोलफिल मिरर आज के जे एकटा एरकम सभार आयोजन करेछे सेई सभाय आमरा जारा छोटो छोटो लिखी एवं छोटो छोटो लेखा निये चिंता करी अर्थात मानुषी हो रही है कि आज CFM ने अपने प्रश्न तले उन ओदबा और शोरा को जमा किया है जिनका ताल्लुक दीगर जबानों से है। लोग हिजरत पर पुकारता था हमें खानदान, हम न गए
पुकारता था हमें खानदान, हम न गए, और अजब लगी थी हमें रहनुमाओं की बातें, अजब लगी थी हमें रहनुमाओं की बातें, समझ रहे थे सियासी जबान हम न गए, समझ रहे थे सियासी जबान हम न गए, और इसी जमीन के पैबंद हो गए मेराज, इसी जमीन के पैबंद हो गए मेराज, वो दूर से लड़ते हुए दे दी जान हम न गए, कहीं भी छोड़कर अपना जहान हम न गए, हमें अजीज था हिंदुस्तान हम न गए। शुक्रिया। तेरी हर हर चाल पे लानत भेजूं, तेरी हर चाल पे लानत भेजूं, यानी 6 साल पे लानत भेजूं, तेरी हर चाल पे लानत भेजूं, यानी 6 साल पे लानत भेजूं, खेल नारसी का बंद कर तेरे फिलहाल पे लानत भेजूं, तेरे फिलहाल पे लानत। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को खुर्शीद और जहांगीर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था मेरे रिश्ते कितने बड़े हैं, तो एक बड़े खानदान में आकर के मुझे पता चला। पहले मेरे चाचा पापा बताया करते थे तुम्हारा भाई है, ये है, दूर के वाले हैं, पर मुझे पता चला कि आसनसोल में मेरे बड़े खानदान हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। आपसे मिलकर और आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला, और इस मंच को प्रणाम करता हूँ कि CFM चैनल के माध्यम से मुझे मिला, और बहुत सारी बातें निकले, बहुत सारे वक्ता हैं, क्योंकि यहाँ एक दायरा है कम बोलने का, पहले ही बता दिया गया है कि लिमिट बात करें। और मैं CFM चैनल को धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से मुझे आज यहाँ ये अवसर प्रदान हुआ है। मैं आपके सबके समक्ष अपनी एक कविता ये शहर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये हैदराबाद वाली जो बलात्कार की घटना हुई थी उसी को केंद्र में रखकर लिखी हुई है मैंने ये शहर। आज इस शहर को क्या हो गया, लगता है कोई ग्रहण लग गया, हर तरफ शोर है अजीब सी, वो लुट गई सब लुट गया, क्यों बेरहम ये शहर हो गया, इंसान इंसान से क्यों डर गया, मैं खामोश सोचती रही इंसान हैवान क्यों बन गया, अबला नारियों ने क्या जुर्म किया कि इंसान हवस का पुजारी बन गया, कई प्रश्न जहन में आते रहे, नारी ने पुरुषों को क्यों जन्म दिया, मन उलझनों में उलझता गया, विचलित मन सोचता रहा, आज इस शहर को क्या हो गया, लगता है कोई ग्रहण लग गया। इसके बाद मैं अपनी दूसरी कविता भी सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ साथ तेरा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है हाँ साथ तेरा प्यारा लगता है, तेरे लिए ही सजना सवरना अच्छा लगता है, कभी तू फुर्सत से मुझे निहार ले इसलिए माथे पे बिंदिया और नैनों में कजरा लगाना अच्छा लगता है, मेरे हर दर्द में तेरा यूं मुस्कुरा कर मुझे गले से लगाना, कहीं पढ़ ना लूं मैं तेरी बेचैनियों को इसलिए बेवजह तेरा मुझसे नाराजगी दिखाना अच्छा लगता है, तुम आकाश हो तो मेरा धरा होना, तुम पेड़ हो तो मेरा छाया होना, जिंदगी की धूप छाओ में तेरा साया होना अच्छा लगता है, मेरी झील सी आंखों में तेरा यूं डूब जाना, पतझड़ सा मेरा तुझसे यूं रुट जाना, पर मेरी एक मुस्कुराहट के लिए तेरा वो खूब मनाना अच्छा लगता है, उन ठंडी रातों में भीगी बरसातों में मेरी बिखरी जुल्फों में तेरा उलझ जाना, आंखें मूंद कर तेरी बाहों में लिपट जाना, बादलों के गरजने पर तेरा मुझ में सिमट जाना, और खुद ब खुद मेघों का यूं बरस जाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है हाँ साथ तेरा अच्छा लगता है। धन्यवाद। ये छोटी छोटी बच्चियां इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बोल रही हैं, सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये यहाँ पे आई और हमारे इस प्रोग्राम को और CFM चैनल वाले के साथ मिल के ये इतने अच्छे कविताएं हमें सुनाए, इनके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। CFM वालों के लिए हम सब, हम पांचों बहने CFM वालों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि हमें भी इस अजीम महफिल में शिरकत की दावत दी। सबसे पहले अदबी रखते हैं और बारह हम अदबी लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। इससे पहले भी हमने इनकी
चुनाव अटेंड किए हैं। आज जैसा के माहौल है लोग ज्यादा करते हैं। आज लोग अपने दुख से नहीं लोगों के सुख से परेशान हैं। क्या बात, अच्छी बात है, वाह वाह। हौसला अफजाई की कमी है, दिल सिकनी ज्यादा भरती है। अगर ऐसे माहौल में हम नए लिखने वालों की हौसला अफजाई की जा रही है तो मैं इस चैनल का बेहद शुक्रगुजार और बेहद ममनून हूँ। ये कहते हैं बस यही कहूँगी कि राज दो आलम में जो आईना दिखाता है, मैं नहीं कहती हूँ जो किस नजरों के सामने आता है। शुक्रिया खुदा हाफिज़। इन्होंने हमें इस लाइक समझा और हमें इस प्रोग्राम में मदद किया। मेरी अब तक कोई किताब मंजरेआम पर नहीं आई है, लेकिन मैं एक किताब मंजरेआम पर बहुत जल्द लेकर आना चाह रही हूँ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। हिंदी भाषा भाषी में बहुत ये तो मैं क्या बोलूँ, हम लोगों का ये किस्मत, हम लोग इनके जैसे लोग और CFM न्यूज चैनल की बदौलत हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। मैं कोई राइटर तो नहीं हूँ, हाँ समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सोशल वर्क की स्टूडेंट रही हूँ मैं। तो सबसे बड़ी चीज है CFM न्यूज चैनल के बारे में आज मैं बोलती हूँ, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी, आप लोगों का वक्त नहीं लोगी ज्यादा, एक छोटी सी बात बोलती हूँ। सबसे बड़ी और अच्छी चीज है इस न्यूज चैनल की कि सारे जो न्यूज चैनल होते हैं वो बड़े बड़े रिपोर्ट खोजते हैं, वो लोग बड़े बड़े न्यूज ढूंढते हैं कि हम लोगों को बड़ा न्यूज मिले, बड़ा स्टंट, बड़ा नाम, सब कुछ बड़ा। लेकिन ये लोगों की सबसे बड़ी चीज है कि वो छोटी छोटी न्यूज ढूंढते हैं। छोटी छोटी न्यूज होते तभी ना हम लोग समझ पाते हैं, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था कि आसनसोल में तो कभी भी है क्या, मुझे तो पता भी नहीं था इस बात का। जाहिर सी बात है मैं यहाँ की हूँ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था। तो ये इनकी ये एक नई बात है और ये बहुत अच्छी कोशिश है जिसको हम लोग सभी सराह रहे हैं और हम सबों की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जैसे मदर फाउंडेशन वाले हैं ये अपने कुलटी में करें और भी लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने इलाके से अपने माध्यम से करें, अच्छा होगा। और जो बात ला रहे हैं उसमें जो डायरेक्टरी की बात है उसको कोशिश करें वो भी आए, है ना। यही बोल करके मैं खत्म करता हूँ। और हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि ये जो तकरीब, ये जो सिलसिला शुरू किया गया है बहुत ही कारामद है, मुफीद है और इस सिलसिले को और आगे बढ़ना चाहिए। मैं भगवान के प्रोग्राम तक पहुँचेंगे। आप यकीन जानिए कि आज की जो प्रोग्राम हो रही है इसमें आप लोगों का बहुत अहम रोल है और आपकी हाजिरी इस बात की। अपना मतलब पेश करो, तेरे मशवरे को नसीहत लिखेंगे, तेरे मशवरे को नसीहत लिखेंगे, तासुब से आरी हिदायत लिखेंगे, तासुब से आरी हिदायत लिखेंगे। और सबसे पहले मैं CFM चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के जो मंच है CFM वाले मुबारक के मुस्ताहक हैं और खासकर मैं खुर्शीद आलम, जहांगीर, सद्दाम इनके टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के ये जो मंच है काबिल तारीफ है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आसनसोल के सरजमीन पे इससे बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। आज जो हमारे मंच में बैठे हुए हैं, डेस्क पे बैठे हुए हैं और जो डेस्क के सामने बैठे हुए हैं, हमारे निगाह के सामने बिल्कुल, ये वो शख्स बैठे हुए हैं जो मंच वाले से भी कम नहीं है और कमजोर नहीं है। ये समाज के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग मंच तैयार करते हैं। आज समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हो, लीडर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
चाहे किसी भी पेशा से ताल्लुक रखते हो, ये आप लोगों की प्रोडक्ट है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये हमारे कलमकार के प्रोडक्ट है जो दुनिया को ऊंची मुकाम दिखला रहे हैं या कुछ ऊंची मुकाम पे पहुंच रहे हैं। आप लोगों की मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जिस मंच पे हम खड़े हैं, आप लोगों की ही तरह वो सच थे जिनका मैं प्रोडक्ट हूं और आज इस महफिल में हूं और आप लोगों के सामने हूं। CFM चैनल का शुक्रगुजार करता हूं कि आज इतनी बड़ी महफिल लगाई, मंच लगाई, ऐसे मंच की जरूरत है। इस साल हुआ और मैं चाहता हूं कि आने वाला साल में इससे बेहतर हो और इससे बड़ा हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी मंच पे करें, और अगर जरूरत पड़ी तो जितने भी आसनसोल के कलमकार हैं, जितने भी आसनसोल के सरजमीन पे मुशन्निफ हैं, राइटर्स हैं, अगर यहाँ जगह कम पड़ जाए तो हम लोग रवींद्र भवन में प्रोग्राम करेंगे, और इसके लिए हमारी जितनी भी कोशिश होगी मैं करूँगा। और यही दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर प्रोग्राम हो और अच्छा प्रोग्राम। पहले मैं CFM का शुक्रगुजार हूँ कि वो आसनसोल में इस तरह का मंच को सजाया है जहाँ पे जबान ही नहीं, धर्म ही नहीं, उसके अलावा तमाम सियासत के लोग भी मौजूद हैं। ये पहली बार इस तरह को देखने को मिलता है। हम सभी जो हमारे जो लेखक हैं, कवि लोग, उन्हें सम्मान करके हम सब का मान को ऊंचा बढ़ाया, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होते रहे। और हमारे मीरा साहब जी ने भी कहा कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम हो, और मैं चाहती हूँ जो एक सम्मान जो हमें मिल रहा है उसकी मैं जितना भी बोलूँ कम है। यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी कवि लेखकगण आए हुए हैं, हमारे बुद्धिजीवी सभी बैठे हैं, तो मैं उन्होंने कहा था खुशी जी कि आपको सभी लोग सुनना चाहते हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि कम से कम मुझे सुनना चाहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे विद्वान लोग, हम जैसे छोटे कवि की बात सुनना चाह रहे थे, मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैं एक बैंग कविता लिखी है मैंने कि जब चुनाव आते हैं तो सभी जनोधारी बन जाते हैं, कोई चुनाव आते हैं टोपी लगा के बोलते हैं, अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि टोपी जनों की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। टोपी जनों की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। शिक्षा प्रशासन चिकित्सा सुधारो, बेरोजगारी को दूर भगाओ। शिक्षा प्रशासन चिकित्सा सुधारो, बेरोजगारी को दूर भगाओ। भाई भूख रोटी की लाचारी, भाई भूख रोटी की लाचारी, रोजगार का कोई स्कीम निकालो। टोपी जनों की बातें छोड़ो, सीधा मुद्दा विकास पे आओ। शिक्षा प्रशासन चिकित्सा सुधारो, बेरोजगारी के दूर भगाओ। और हमारी जो यहाँ महिलाएं, हमारी माताएं बहनें उपस्थित है, हमारी छोटी छोटी बच्ची भी यहाँ मैं देख रही हूँ कि अभी बताया मधु जी ने कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कुछ बातें बोली है, तो आप सबको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि नारी अभी अबला नहीं सबला है। हर युग में नारी सबला अपने आप को पहचानना है, और इस समाज में, इस देश में अपने नाम को ऊंचा करना है। कभी भी अपने आप को नीचा मत बसरते अपने कर्म को ऊंचा रखना, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है, अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम को ऊंचा रखना है अपने कर्मों के माध्यम से। तो मैं दो पंक्ति महिलाओं को लिए भी बताना चाहती हूँ कि सृष्टि की रचयिता है नारी,
सृष्टि की रचयिता है नारी, वही शक्ति वही सर्वपरि जिसके कारण दुनिया की टिकी। दया की सागर ममता की मूरत, दया की सागर ममता की मूरत, सहनशीलता की परिचय है नारी। माँ की ममता बहन का प्यार, पति की अर्धांगनी प्रेमी का अरमान, कितनों ही रूपों का एक नाम है नारी। बन का मैट्रेशा दीन दुखियों को सेवा करती, तो कभी लक्ष्मी बाई बनकर दुर्जनों का संहार करती है नारी। प्रेम करती है जब किसी से तो प्रेम की सरिता बहाती है नारी, घृणा जब किसी से करती है तो दुर्गा भी बन जाती है नारी। भीमा मिश्रा साहब आप ही चले आओ। इधर देखिए कुंकल वर्मा चले आओ, उसके बाद नीलू कुमारी ठाकुर। बहुत अच्छा जागीर भाई। शाहिद बरनपुरी से नीलम कुमार सर आप ही चले आए। शाहिद बरनपुरी सर आपको भी हम लोग धन्यवाद देंगे, आप चले आए। शाहिद बरनपुरी सर देखिए आप साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आप चले, आपका जवाब देंगे आप ही चले आओ। उसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था, ऐसा नदी सवाली साहब नाम लिख रहे हैं, अगर किसी खाई से नाम